पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीसी के अध्यक्ष कमलनाथ ने आज विशाल रैली निकालकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस रैली में गाजे बाजों के साथ प्रदेश के अनेक स्थानों से आए हजारों कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे। इस अवसर पर उनके साथ सांसद नकुलनाथ और उनकी पत्नी प्रियानाथ भी उपस्थित थे। कमलनाथ ने आज अपने निवास स्थान में पूजा अर्चना करने के बाद सबसे पहले छोटी बाजार स्थित राम मंदिर में पूजा की। उसके बाद शाम टॉकीज के राम मंदिर में पूजा करने के बाद खुले हुए रथ में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ विशाल रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। नामांकन के पूर्व कमलनाथ ने बस स्टैंड में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आगामी चुनाव में कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया और कहा कि प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। किसानों की हालत किसी से छुपी नहीं है। जनता ने अब परिवर्तन का मन बना लिया है। एनबीसी न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट।